अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी। ये है रोज़ बिरयानी। रोज़ मटन तो आपने सुना होगा, आज हम आपको रोज़ बिरयानी बनाना सिखाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, 5 लौंग, 5 इलायची, 10 दाने काली मिर्च के और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को काट के और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बड़ा बड़ा काट के वो भी इसके अंदर डाल दिया है। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये इसमें 10 हरी मिर्चें, बाकी हम चावल में डालेंगे वो मैंने इसलिए बचा ली है। 10 हरी मिर्चें डालने के बाद 1.5 टीस्पून जितना नमक, ठीक है, ये डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से भून लेना है कि टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है और मैंने फुल फ्लेम पे इसे भुना था। अब मैं इसमें 2 टीस्पून जितनी काली मिर्च डाल दूंगी। ये देखिए अच्छी तरीके से अब हम इसे भून लेंगे 2 मिनट के लिए। और देखिए अच्छी तरीके से टमाटर प्याज सब कुछ भुन चुका है, मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें 1.25 किलो जितनी चाम्प डाल देंगे। ये देखिए 1.25 किलो चाम्प थी वो डाल दिया है मैंने और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बहुत ही मस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत डिलीशियस रेसिपी है, तो एक बार तो ट्राई बनता है। अगर आप बिरयानी लवर है तो ज़रूर ट्राई कीजिए रोज़ बिरयानी। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने चाप डालने के बाद भी भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, 150 ml जितना इसके अंदर पानी डाल दिया है और ये प्रेशर कुकर की हम लिड लगा लेंगे और 2 से 3 सीटी लगा के गोश्त को अच्छी तरीके से गला लेंगे। ये देखिए जब तक गोश्त गल रहा है हम चावल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी में 4 चम्मच नमक डाल दिया है, ये 4 टीस्पून जितना नमक है और 10 हरी मिर्चें भी हमने इसके अंदर काट के डाल दी कि चावल में जो है वो चसक आ जाए, थोड़ा मतलब मसाला आ जाए, स्पाइसी हो जाए चावल, तो हम इसको उबाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से उबल चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो जितना चावल लिया है, ये सेला चावल है। 2 घंटे के लिए हमने इसको पानी में भिगा दिया था, उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। देखिए 1 किलो जितना था ये, बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाएगी। मतलब बिरयानी बनाने में मोस्टली ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन इसमें नहीं लगता है। आपको प्याज और टमाटर बिल्कुल रफली चॉप करनी है, बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं करनी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत जल्दी बन जाती है। तो प्रेशर कुकर में आपको गोश्त गला लेना है और उसमें हम चावल भी पका लेते हैं उतनी देर में जब तक गोश्त पकता है। तो हम अच्छी तरीके से पका लेंगे, बस 1 कनी जितना चावल हम इसको छोड़ देंगे, बाकी हम इसे पका लेंगे। जब तक चावल पक रहा है तो हम दूसरे भगोने में जो हमने गोश्त गला लिया वो डाल देंगे। ये देखिए तो सारा गोश्त जो है, हमने 3 सीटी लगा के गोश्त को गला लिया था। टमाटर प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके, प्याज बिल्कुल घुल गई है, टमाटर हल्का हल्का सा बस दिख रहा है लेकिन वो बिल्कुल पक चुका है। और ये देखिए यखनी बची है, ये मैं चावल के ऊपर डालूंगी, तो इसमें मैंने नीचे गोश्त लगाया है और थोड़ी सी यखनी डाली है। ये देखिए चावल पक चुका है, 1 कनी रह गई है क्योंकि हम चावल को दम देंगे और यखनी भी डालेंगे, तो 1 कनी जितना चावल जो है वो पक जाएगा। अब हम इसको छान के गोश्त के ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए गोश्त के ऊपर हम ये चावल डाल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए या कम कर लीजिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, वरना आप मेरे ही हिसाब से आप नमक मिर्च डालिए, इंशाल्लाह परफेक्ट होगी बिल्कुल।
बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए। और बिरयानी की रेसिपी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओमानी बिरयानी जो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा पसंद की गई है उसका लिंक भी दे दूंगी, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा चावल डालने के बाद अब मैं इसमें सारी यखनी डाल दूंगी, जितनी भी यखनी थी हमारी वो सारी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, चावल के अंदर जो यखनी का मसाला है वो उसके अंदर समा जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। ये देखिए सारा मसाला डालने के बाद अब हम इसे ढक के पका लेंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, पानी अंदर से बिल्कुल जल चुका है, मैंने पूरा चेक कर लिया। और अब मैं इसको आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए आपको इतनी देर दम देना है कि पानी जो है, जो यखनी है वो सारा जल जाए, और बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बन के रेडी है। इसमें कोई फूड कलर नहीं डलता तो बिल्कुल मत डालिए, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए ज़बरदस्त सी रोज बिरयानी बन के रेडी है, बहुत ही सिंपल और बहुत डिलीशियस, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे मेरी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।